आज 31 मार्च को ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे सदस्यता महाअभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से, उनकी मेहनत, लगन और उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही जो एनडीए की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो किए गए कार्य हैं, उनके प्रति जो जनता की मनोभावना है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसके चलते जो सदस्यता महाअभियान को सफलता मिली है, आज 9 करोड़ की सदस्यता जो रजिस्टर्ड सदस्य हैं उनके रूप में पूरी होना, ये एक न केवल खुशी की बात है बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण है। तमाम राज्यों ने विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव, तमाम राज्यों में उपचुनाव, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा, आसाम, बंगाल, ऐसे जगहों पर स्थानीय निकाय के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए तमाम प्रदेशों को कम समय मिला, उसके बावजूद उन्होंने जिस प्रकार से उत्साह के साथ में भाग लिया वो भी स्तुतनीय और वंदनीय है। उन प्रदेशों के द्वारा तमाम अन्य राज्यों ने अनेकों और कारणों के कारण भी ये कहा कि कितने उत्साह के साथ जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें तमाम सदस्य ऐसे हैं जो आज भी वंचित हो जाएंगे अगर हम 31 मार्च को समाप्त कर देंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि 30 अप्रैल तक इसकी अवधि बढ़ाई जाए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का दिशा निर्देश 30 अप्रैल तक सदस्यता महाअभियान को और अधिक समय अवधि बढ़ाए जाने के बारे में उनकी अनुमति प्राप्त हो गई है। यह अभियान अब हमारा 30 अप्रैल तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये निश्चय किया है कि वर्ष 2015 हमारा ये सदस्यता महापर्व के रूप में मनाने का निश्चय है। ये वर्ष सदस्यता महापर्व है और सदस्यता महापर्व में हम न केवल सदस्य बना रहे हैं बल्कि हमारी सदस्यता महाअभियान के बाद में हम लोग जनसंपर्क का अभियान चलाएंगे और सतत जनसंपर्क के द्वारा घर घर जाकर हम जो हमारे नए बने सदस्य हैं, जो हमारे पुराने सदस्य हैं, उनको हम उनका परिचय पत्र देने का कार्य, उनसे संपर्क का कार्य, विभिन्न प्रकार के सम्मान समारोह के आयोजन, अनेकों अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। ये हमारे संपर्क अभियान का हिस्सा बनेगा। बाद में पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से, पार्टी के दृष्टिकोण से, केंद्र सरकार की जा रही गतिविधियों से जानकारी देने के लिए उन गतिविधियों को हम लोग, हमारी पार्टी का नेतृत्व विभिन्न राज्यों में निचले स्तर तक का जो प्रशिक्षण शिविर हैं उनका आयोजन करेगी। प्रशिक्षण के द्वारा यह कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का प्रयत्न होगा कि पार्टी की रीति नीति सिद्धांत क्या हैं, वर्तमान परिस्थितियों में चलते हुए केंद्र सरकार किस प्रकार से जनता के लिए हितकारी कार्यों को कर रही है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में हम देश की सेवा कैसे और ज़्यादा कर सकते हैं, विभिन्न पहलुओं पर और विभिन्न मंतव्यों पर यह हमारा प्रशिक्षण शिविर होगा। और पूरे वर्ष हम कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य की पार्टी की नीतियों से जुड़ सकें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास, सर्वग्राही सर्वस्पर्शीय हमारा संगठन बने और अधिक, और उसके लिए और अधिक लोग हमारी विचारधाराओं से जुड़ सकें, हर घर भाजपा का ये जो दृष्टिकोण है ये सार्थक बने और हम सब उन नए अपने साथियों के साथ में भी और पुराने साथियों का मार्गदर्शन लेते हुए, सहयोग लेते हुए एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के लिए संकल्पित बन सकें। सशक्त भारत, सशक्त भाजपा का जो ये हमारा नारा है वो सच्चे मानों में साकार हो सके। मैं फिर से शुभेच्छा अर्पित करता हूँ उन तमाम समर्पित, योग्य, कर्मठ और निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले भारतीय जनता पार्टी के महान कार्यकर्ताओं को, जिनके संबल पर, जिनके बल पर, जिनकी योग्यता और जिनकी परिश्रम से आज हमने 9 करोड़ की संख्या प्राप्त की है।